राजस्थान में सत्ता का संघर्ष और सियासी संग्राम आज सुबह से जोरों पर है। क्या कुछ आज गहलोत सरकार के साथ हो सकता है, क्या नई चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। शुक्रिया सर, काफी उतार चढ़ाव सुबह से देखे जा रहे हैं, क्या लगता है गहलोत सरकार किस दौर से गुजर रही है? नहीं, सुबह से क्या देखे जा रहे हैं वो अगर आप उसको, क्योंकि पाठकों और दर्शकों को कुछ पुरानी चीज़ें भी याद दिलाना ज़रूरी होता है, तो जिस समय से गहलोत सरकार बनी है उस समय से ही पायलट से एक खींचमतान रही है। और खींचमतान के पीछे बहुत सीधा सा कारण था कि पायलट ने खुद पूरी लड़ाई चुनाव की अपने कंधों पर लड़ी थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का सवाल आया तो बड़े नेता अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। हमेशा की तरीके से वो जिस तरीके से चाल चलते हैं वो उन्होंने चली और फाइनली उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया और पायलट जो है वो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं। सुगबुगाहट काफ़ी पहले से चल रही थी, कब होगा कैसे होगा, सिर्फ एक समय का मामला था। लेकिन राजस्थान में जो धूल होती है ना वो अचानक सेटल नहीं होती है। अचानक जो है राजस्थान की जो रेत होती है वो अचानक से उस पर नहीं आती है सतह पर, तो वो सतह पर आई नहीं कभी इधर इतने दिनों में। और कुलबुलाहट पायलट के लेवल पे भी लगातार चलती रही, वो अपने खुद को मजबूत करते रहे, अपने लोगों को मजबूत करते रहे और वही काम उसी तरीके से उन्हीं को शहमात का खेल करते हुए अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत ने तो परसों ये तक कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ बैठा के करती गई और बैठ भी गए वो, लेकिन उस बैठने से कोई मन की बात नहीं सामने आई। और उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि केंद्रीय कांग्रेस कमजोर रही, वो इन दोनों को बैठा के कभी बिल्कुल स्पष्ट रूप नहीं कर पाई और आज भी वैसे ही स्थिति है। कल जब जो एक चिंगारी मिलती है तो वो जो एक FIR राजस्थान पुलिस एक संगठन उनका है, विभाग है, उसकी तरफ से जब FIR की बात आई तो बिल्कुल आग भड़क गई। भड़कना पहले भी तय था, कब भड़केगी ये जरूर मामला था, लेकिन कल भड़क गई और उसके बाद सबके सामने है पायलट ने कह दिया कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। अब ये अल्पमत का किस्सा और फिर उसके बाद पायलट सचिन सिंधिया से मिलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते हैं जो कि अब भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, उनसे मिलना ही काफ़ी बहुत बढ़िया। लेकिन जो गणित है ना राजस्थान की वो बहुत आसान नहीं है। 200 सीटें हैं विधानसभा में, 107 कांग्रेस के पास में है, 72 बीजेपी के पास में है, तो ये अंतर जो है बहुत बड़ा है। भाजपा के पास सिर्फ तीन एक दल के एक और लोग हैं वो हैं और 72 वो हैं, यानी कि 75 हैं। तो एक तरफ 75 हैं और रेस्ट 125 दूसरी तरफ है सत्ता के हिसाब से। वैसे कांग्रेस के पास 107 ही हैं, लेकिन और इस अगर 125 कह रहा हूं तो उसका नतीजा अभी जो हाल में राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस को 125 के आसपास 122 शायद 122 वोट मिल चुके थे, जिसका मतलब वहां गहलोत मजबूती से। इस बीच में और डेवलपमेंट हुए और इसके तहत ये हुआ कि साहब पायलट को लगा है अभी कि उनके साथ काफी विधायक हैं, दावा जरूर वो कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि पायलट के पास 30 विधायक हैं। और जो इस स्थिति को तोड़ दें, अगर तो तोड़ने में भी अगर आप मान लेते हैं कि 130 विधायकों को कम भी कर दिया जाए तो विधानसभा हो जाती है या इस्तीफा देने की बात आती है, 170 की हो जाएगी, तो 170 में अगर 30 इनके कम होंगे तो 77 के आसपास इधर कांग्रेस के बचेंगे, तब भी भाजपा से वो 77 बचेंगे और इधर 75 ही हैं तो वो आगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 30 विधायक सचिन पायलट के राह पर, उन्होंने जो बिल्कुल धूप है बिल्कुल तपन है उसमें क्या नया उस रेत में नया रास्ता बना ले जाएंगे? और वो रास्ता अगर बना भी लेंगे तो भी क्या कर लेंगे, भी 30 के 30 भी
आज सुबह जब विधायक दल की बैठक के लिए कहा गया और उसमें सचिन पायलट ने साफ मना कर दिया कि वो बैठक में नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद खबर ये भी सामने आ रही, जो आप अपने जो आंकड़ों की बात की, अगर सचिन पायलट कुछ विधायकों को तोड़ भी लेते हैं तब भी गहलोत सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अभी फेवर में है, सरकार पोजिशन में रह सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से पर्दे के पीछे से बनाई जा रही है? क्या आज तो सरकार टिकी रहेगी लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है? रणनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनानी है, रणनीति कांग्रेस को बनानी है। रणनीति भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं कहेगी कि आओ तुम सब लोग आओ हमारे गले मिल जाओ वाला स्टाइल में, वो सब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पहला कदम निश्चित रूप से पायलट को चलना होगा और वो चल चुके हैं। अब वो ऐसी स्थिति में खाई में आ गए ना, आगे ऐसी स्थिति में है कि आगे कुआं है पीछे खाई है उनकी, तो उनको चलना ही चलना होगा। लेकिन वो कदम चलने में उनके हाथ पैर टूटते हैं या वो सफल एक सफल धावक की तरीके से खाई को पार कर ले जाते हैं, अभी सिर्फ सवाल उतना है। मेरा मानना है ये सब हो भी जाए, वो सफल धावक की तरीके से 6 फुट 8 फुट 10 फुट की खाई पार भी कर ले जाए, लेकिन उसके बाद भी ये है कि उनके साथ 30 के 30 विधायक खाई पार कर ले, नंबर एक। इसी में संकट है, इसी में संकोच है, क्योंकि लालच देने में और अच्छे से बातचीत करने में गहलोत का कोई जवाब नहीं है। गहलोत बहुत ही सीजन पॉलिटिक्स है, बहुत ही श्यूड पॉलिटिशियन है। आपसे कभी जब भी बात करेंगे तो ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे और सब कुछ आपको बता देंगे, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब बात करने की आती है तो बिल्कुल किनारे कर ले जाते हैं वो अपने आप को। तो गहलोत एक अलग किस्म के राजनीतिक हैं और जो अपनी रणनीति बहुत सोच समझ कर रहते हैं बड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद इस समय एक बड़े डायलमा में है और उनको उनको संभालना सबसे मुश्किल काम है। क्या हम सब पत्रकारों को लगता है कि अमित शाह ने वसुंधरा राजे को संभाल लिया होगा? तो मुझे नहीं लगता, उतना आसान नहीं है। सर एक सवाल, कुछ एक सवाल ओ माथुर को लेकर है। पहले ओ माथुर बोलते रहे बीजेपी नेता कि ये कांग्रेस का अंदरूनी कलह है, लेकिन जब कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि घोड़ों के अस्तबल से भागने का वक्त है ये, तो उसके ट्वीट का जवाब दिया ओ माथुर ने और उन्होंने ये कहा कि जहां हरियाली होगी कुलाचे भरने का मजा आएगा। एक तरफ तो वो इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाली तो बीजेपी में ही है इस वक्त। तो देखिए, ओम माथुर एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी है, हास्य व्यंग भी अच्छा कर लेते हैं जब भी यहाँ बात होती है, तो वो सिर्फ हास्य व्यंग तक ही सीमित है मामला। पर हरियाली यहाँ है, लेकिन हर उस हरियाली में क्या चारा डालने वसुंधरा राजे खुद आएंगी? घोड़ों को, पहली बात से घोड़े वोड़े का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने गलती की है तो घोड़े करती है तो इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग होती होगी। तो लेकिन कपिल सिब्बल हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, उसका जवाब उन्होंने दिया, जिसको सिर्फ एक व्यंग के स्तर तक ही समझा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया तमाम जो दिन भर के घटनाक्रम है। जयपुर के मुख्यमंत्री आवास में वहां पर नजरें लगी रहेंगी, आपसे समय समय पर सर अपडेट लेते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू।